हाय गाइस, तो मैं पीके आज आप लोगों को राज और उसकी फैमिली के साथ रूबरू कराने आया हूँ। आप पीके आए हैं? नहीं, मेरा नाम पीके है। ओह हाँ, तो आज ये और इनकी फैमिली कुछ उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो आप लोगों ने इनसे पूछे हुए हैं। इनकी टीम के कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ हैं। लकी, होलू, इनके पापा और सभी का लाडला मिंकू। राज, आपकी माता जी का उन्हें बुला लीजिए। भैया, माता जी बोलना ना, आपकी पहली और आखिरी गलती हुई। प्लीज दीदी बोलना उनके सामने। ओ सॉरी, दीदी को बुला दीजिए प्लीज। मम्मी, वो इंटरव्यू लेने आए हैं, चलो। इंटरव्यू? ऐसा क्या कर दिया हमने? यूट्यूब पे 1 मिलियन हो गया यार। तो इतनी बड़ी बात होती है क्या? हाँ, तो ठीक क्यों रहा है, आराम से बोलना। जल्दी आओ ना। रुक जा, मैंने कपड़े देख कैसे पहन रखे, मैंने कुछ मेकअप भी नहीं कर रखा। मेकअप करके और बुरी लगती हो आप। वेरी फनी, बकवास मत कर। अच्छा चलो। हाँ, तो पहला सवाल है माता जी से। क्या, किसको बोल रहा है ये? मम्मी, आपको ही बोल रहे हैं। दीदी बोल ले गधे। हाँ दीदी, आप तो दीदी लगती है राज की। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, आपको मिंकू ज्यादा पसंद है या राज? मम्मी मैं ही पसंद हूँ ना। तू क्यों होगा बे? मम्मी मैं हूँ ना। क्योंकि मैं क्यूट हूँ ना। पहले मैं भी क्यूट था। आप चुप रहो। भैया कैसा सवाल है ये, बच्चों में लड़ाई करा दी आपने, किसी और से पूछ लो। सॉरी सॉरी। अच्छा मिंकू, अगला क्वेश्चन है आपसे। आप इतने क्यूट हो, इतने प्यारे बच्चे हो, लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर खाते क्या हो? मैं, मतलब आपका फेवरेट फूड क्या है? आइसक्रीम, पर मम्मा खाने नहीं देती। तो फिर कैसे खाते हो? तो मैं खाता ही नहीं हूँ। अच्छा, और जो तू रात को छुप छुप के खाता है उसको क्या? आपको पता है। हाँ तो लकी, लकी आप ऐसे क्यों हो? क्यों, मैं कैसा हूँ? जैसे इस उम्र में सब लोग हंसते खेलते फिरते हैं, आप ऐसे क्यों रहते हो? जेनेटिक है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। ओके, वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? थी, थर्ड क्लास में धोखा देके चली गई। थर्ड क्लास में धोखा? थर्ड क्लास में? क्यों, क्या थर्ड क्लास में धोखा नहीं चलता क्या? धोखा तो किसी भी उम्र में दे सकते हैं। ओके ओके। तो राज, अगला अहम सवाल जो सभी लोग आपसे पूछना चाहते हैं और जिसकी वजह से आपको इतना प्यार मिल रहा है, वो है आपका कॉन्टेंट। तो आज आप सबको ये बताइए कि आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू कैसे किया? शुरुआत तो मैंने भी सबकी तरह दूसरों के सॉन्ग्स पे लिपसिंग करके करी थी, पर मुझे ना मजा नहीं आया। सच सच बोलना, व्यूज नहीं आ रहे थे। हाँ हाँ, एक ही बात है, अपनी बेइज्जती खुद कौन करता है। हाँ, तो व्यूज नहीं आते थे, फोन भी बहुत अजीब सा और बेकार था मेरे पास, मम्मी का यूजलेस एकदम फोन। फिर उससे मैंने वीडियोज बनानी शुरू करी थी। तो उसके बाद मैंने स्कूल में उन्हीं दिनों एक मिमिक्री करी थी अमिताभ बच्चन जी की, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था स्कूल की तरफ से। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे इसमें ही कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने ओरिजिनल कंटेंट बनाया और वहीं से एक्सपेरिमेंट्स का सफर शुरू हो गया। वेरी नाइस। सो अगला क्वेश्चन है राज के पापा से, जिनको आपने भिन्न भिन्न प्रकार के रोल्स में देखा होगा राज की वीडियोस में। अच्छा, तो आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, अक्सर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, लेकिन आपने राज को इस लाइन में जाने से अलाउ कैसे किया? बात तो आपकी सही है, देखो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है, पर मैं तो इसको बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहता था एक्चुअली। इसको मैं सुबह सुबह 4 बजे उठाता था और 5 साल की उम्र से मैं इसको इस पे मेहनत कर रहा था। मेहनत इसने करी भी बहुत, ये खेला भी बहुत अच्छा, ये स्टेट लेवल तक पहुंचा, क्वार्टर फाइनल तक, और डिस्ट्रिक्ट तो ये चैंपियन है। तो ये लाइन चेंज कैसे हो गई? फिर क्या था, लॉकडाउन लगा, इसका बैडमिंटन बंद हो गया, इसने फन के लिए वीडियोस बनानी शुरू करी, हमने इसकी हेल्प करनी शुरू कर दी। हेल्प क्या करी, अभी तक हेल्प ही कर रहे हैं, और करते भी क्या, पढ़ता उड़ता तो ये है नहीं। क्या यार पापा, पढ़ता तो हूँ। भाई तू इंटरव्यू ले रहा है? राज मैं हूँ। ओह सॉरी। हाँ, नेक्स्ट सवाल है हमारे भोले भाले सबसे प्यारे भोलू से। भोलू जी, मैंने सुना है कि आप पढ़ाई वढ़ाई के अलावा कुछ और करते नहीं है, तो एक्टिंग का टाइम कैसे निकाल लेते हैं? मैंने MS धोनी मूवी देखी थी, उसमें धोनी जी के दोस्तों ने उनकी बहुत हेल्प करी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी राज की हेल्प करूंगा ताकि वो भी सक्सेसफुल बने। बस कर पगले, रुलाएगा क्या। हाँ तो दीदी, आप राज की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में होती हैं और जाहिर सी बात है आप उनसे बहुत क्लोज होंगी। तो क्या राज बचपन से ही ऐसा है? कैसा मतलब, ऐसा मस्करा था, कॉमेडियन टाइप्स का? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा रोता था। एक बार की बात बताती हूँ कि मैं मार्केट चली गई और 3 घंटे लग गए मुझे, ये लड़का 3 घंटे सड़क पे रोता ही रहा। और जब मैं लौट के आई ना, तो मुझे कॉलोनी वाले ऐसे देख रहे थे कि जैसे कैसी माँ हूँ मैं। अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं ऐसी माँ नहीं हूँ, ये ऐसा बच्चा है। अच्छा राज, ऐसा है क्या है यार? मम्मी मम्मी क्या, तू रोता ही इतना था। फिर 2-3 साल बाद इसको स्कूल से एक टैग मिलता है, द मोस्ट चीयरफुल बॉय का। मैंने कहा माधव तू ये किसका उठा के लेके आया? कह रहा मम्मी मुझे ही मिला है। तो टीचर से पता लगता है कि ये तो बहुत खुश रहता है स्कूल में, और टीचर्स डांटती है तब भी हंसता ही रहता है।
अच्छा राज, जैसे आप YouTube और Instagram पे इतने कंसिस्टेंट हो तो आप इस सब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज कर लेते हो? जैसे इस साल आपके बोर्ड्स भी हैं। देखो, जब हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, तो हमें ऐसे जो हमारे शौक वगैरह के टाइप की चीज़ें होती हैं, हमें छोड़नी पड़ती हैं। अब जैसे दोस्तों के साथ बाहर फिरना या 3-3 घंटे टीवी देखना, एनिमेज देखना जिनको मेरे को शौक है, नई नई वेब सीरीज देखना नेटफ्लिक्स पे, सब कुछ मैंने कम ही तो कर दिया। हफ्ते में एक बार देखता हूँ या फिर मतलब ऐसे ही टाइम मैनेज होता है कुछ छोड़ के कुछ करने से। बस रहने दे। हाँ, जो मैंने सेक्रीफाइस किया वो मुझे अब लोगों के प्यार के रूप में मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा खुश हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, ये तो बहुत लोग पूछते हैं, आपकी पहली वीडियो वायरल कौन सी थी? मेरी पहली वीडियो स्कूल टी शर्ट में वायरल हुई थी। उसमें मैं एग्जाम लिख रहा था और मुझे इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स याद आए जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे और लोग उस टाइम ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा खोए हुए थे, तो वही मुझे एग्जाम में याद आए जा रहे थे और मैं लिख नहीं पा रहा था, तो ये थी वो वीडियो। तो जिस दिन भी ये Q&A वीडियो डलेगी उसके अगले दिन ही मैं अपनी ये फर्स्ट वायरल वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ऐसे राज के पापा का सपना उसको प्लेयर बनाने का था, तो आपका क्या सपना था या आपके क्या प्लान्स थे राज के लिए? मैं सच बताऊं तो मैं अपने दोनों बच्चों को ही डॉक्टर बनाना चाहती थी। मैंने इसका नाम भी राजवर्धन रखा कि ये डॉक्टर राजवर्धन ग्रोवर बनेगा। और फिर वही लॉकडाउन जिसमें शायद सबके सपने चेंज हो गए, सब बच्चे उन दिनों पबजी में लगे रहते थे तो इसका ध्यान उन दिनों वीडियोस में चल रहा था। हमें ये लगा कि चलो पबजी से तो बेटर है कि ये कुछ क्रिएटिव कर रहा है। अब ये 10th में आ गया है, इसके व्यूज अभी भी कुछ नहीं थे, लेकिन अभी कुछ ही टाइम से इसके फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। अब ये मेरे से 2 साल और मांग रहा है कि मम्मी मुझे अभी इस फील्ड में और काम करने दो। लेकिन इसके इन 2 साल के चक्कर में मेरे मेडिकल का सपना तो गया, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं इसे पढ़ने पे डालती हूं तो ये तब भी इसका माइंड अपसेट रहेगा, इससे तो अच्छा कर ले जो तू चाह रहा है। बड़े अच्छे लोग हैं यार। अच्छा राज, ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, आपको अपनी टीम में अपना बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगता है? एक्टिंग तो इनमें से किसी को नहीं आती, दोनों ही लूल बाटू हैं। बेइज्जती कराने आते हैं क्या हम यहाँ पे? चल बोलो। हाँ तो माता जी। अभी ये क्या बोल दिया? अब तो ये गया। किसे बोल रहा है तू? माता जी? नहीं नहीं माता नहीं, दीदी माता जी नहीं। आइंदा दिखाई मत देते ना यहाँ। हाँ, यहाँ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।